आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में एक पैसेज दिया है। ओके, तो इस पैसेज को रीड करना है हमें और जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है। तो देखो, पैसेज बहुत बड़ा है, तो एक ट्रिक होता है कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन का पहले जनरल ओवरव्यू ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर पैसेज पूरा पढ़ना भी पड़े तब भी हमें हाईलाइटेड रहेगा माइंड में कि हाँ, हमारा ये क्वेश्चन था, हमें इसका आंसर चाहिए, राइट? सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एपेक्स प्रीडेटर सर्व टू कीप प्रे नंबर्स इन चेक। ओके, हाउ कैन बी से दैट टाइगर शार्क्स आर एपेक्स प्रीडेटर्स। देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर पैसेज को रीड करेंगे। ओके, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रीडेटर्स, दोज हु प्रे ऑन अदर एनिमल्स, हु फीड्स ऑन प्रे अदर एनिमल्स। ओके, इनको प्रीडेटर्स कहते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, राइट? तो जो एपेक्स प्रीडेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि सर्व करते हैं और कंटिन्यूसली प्रे करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ओके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो टाइगर शार्क्स हैं वो भी एपेक्स प्रीडेटर्स हैं? ओके, ये पूछा है कि टाइगर शार्क्स को एपेक्स प्रीडेटर्स कैसे कह सकते हैं। ओके, सो चलिए हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। हमारे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा है, वही हमें आंसर मिलेगा, राइट? तो देखो, हमारे पास जो पैसेज, इसको पूरा रीड कर लेते हैं। I saw Jaws, the popular shark movie, the summer it came out in 1975. Author कह रहे हैं कि मैंने एक मूवी देखा जिसका नाम था क्या, जॉस। जो कौन सी मूवी थी, पॉपुलर शार्क मूवी थी, शार्क के बारे में कोई मूवी थी। कब आई थी, समर में आई थी और ईयर था 1975। He became paranoid after shark, about sharks. वो मूवी देखने के बाद जो ऑथर थे बहुत ज्यादा डर चुके थे, हॉरिफाइड हो चुके थे, उनको बहुत ज्यादा डर लगा। हो सकता है ऐसा कोई सीन हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जिसमें शार्क के, मतलब शार्क ने किसी को बाइट किया हो। ओके, तो आई केप्ट स्विमिंग आफ्टर जॉज, इट वाज ऑलवेज विद द बिग फियर दैट अ शार्क्स टीथ कुड टग ऑन माय लेग एट एनी मोमेंट। देखो क्या बोल रहा है कि उसके बावजूद भी उन्होंने स्विमिंग को बंद नहीं किया। इट वॉज ऑलवेज विद वेग फियर, मतलब उनको डर बना ही रहता था कि कब शार्क जो है अपने टीथ से उनको बाइट कर दे। ओके, नेवर माइंड दैट देयर हैड बीन ओनली टू शार्क बाइट सिंस 1900 ऑन द कनेक्टिकट कोस्ट वेयर आई लिव्ड। लेकिन मतलब कि इतना डरने के बाद भी उनका मानना था कि उनको पता था ना कि 1900 से ऐसा कोई केस नहीं आया, सिर्फ दो ही केस आए जिसमें शार्क ने बाइट किए। ओके, so when I got this assignment for the National Geographic magazine, I decided to accept and do what I did never wanted to do, swim with the sharks. तो जब मुझे National Geographic magazine ने एक offer दिया, assignment दिया, जिसमें मुझे क्या करना था, shark के साथ swimming करनी थी, जो कि मैं कभी करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने bravery के साथ accept किया। I had to go to a place in the Bahamas known as Tiger Beach and dive with tiger sharks. मुझे क्या करना था, बहामास में जाना था जो कि एक टाइगर बीच का नाम है, और वहां डाइविंग करनी थी किसी साथ, टाइगर शार्क्स के साथ। The species responsible for more recorded attacks on humans than any shark except the great white. मतलब कि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड थे इनके कि ये बहुत ज्यादा अटैक करती ह्यूमन बींग्स में। It was to be my first dive after getting certified, which means it would be my first dive anywhere other than a swimming pool or a quarry. उनका मतलब ये है कि जब उनको प्रोफिशिएंसी आ चुकी थी, उनको एक सर्टिफिकेशन मिल चुका था ना कि वो स्विमिंग रोज जाते थे, प्रोफिशिएंट हो चुके थे, तो उनकी फर्स्ट डाइविंग थी स्विमिंग पूल के अलावा कहीं अगर वो डाइविंग करते तो। मोस्ट पीपल हु गॉट विंड ऑफ दिस प्लान थॉट आई वाज आइदर वेरी ब्रेव और वेरी स्टूपिड। जिन लोगों को मेरे बारे में पता चला कि मैं ये करने जा रहा हूँ कि टाइगर शार्क के साथ क्या करने जा रहा हूँ, डाइविंग, तो कुछ लोगों ने मुझे ब्रेव माना इस चीज के लिए, कुछ लोगों ने स्टूपिड माना। But I just wanted to puncture an illusion. पर मैं जो illusion बनाया था ना लोगों ने, उसको puncture करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। The people who know sharks intimately tend to be the least afraid of them, and no one gets closer to sharks than divers. जो लोग जानते थे, मतलब जो जानते हैं intimately, करीब से, वो उनसे नहीं डरते। Okay, और ये कह सकते थे, उनका मानना था कि divers जो हैं, उनसे ज़्यादा close कौन ही हो सकता है sharks से, right? इसलिए उन्होंने जो जाना डिसाइड किया टाइगर शार्क के साथ स्विमिंग में। ओके, द डाइवर्स हु रन ऑपरेशंस एट टाइगर बीच स्पीक लविंगली ऑफ
The tiger sharks, the way people talk about their children or their pets, in their eyes, these sharks aren't man-eaters any more than dogs are. उनका मानना ये था कि जो लोग intimately रहते हैं ना, जैसे divers लोग, उसी तरह behave करते हैं जैसे कि एक parents या फिर कोई people है, लोगों अपने बच्चों से behave करता है या pets से, वैसे ही behave करते हैं। और उनका मानना था कि जो tiger sharks है वो उतनी भी harmful नहीं होती है जितने कि dog हो सकते हैं। The business of puncturing illusion is never just black and white. My fellow diver had hundreds of dives under their belt, and on the 2-hour boat ride to the site in the morning of our first dive, they kept saying things like, "Seriously, I really can't believe that this is your first dive." वहाँ जो लोग आए थे diving करने, ये बहुत ज़्यादा experience थे, उनके पास कुछ belts थे जिनमें dive था, okay. लेकिन मेरा ही first experience था, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलते थे कि seriously, I really can't believe this is your first dive. All this was okay with me until I reached the bottom and immediately had to fend off the first tiger shark I had ever let eye on. Okay, अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे डर लगने लगा जैसे ही मुझे टाइगर शार्क ने देखा। लेकिन जब मैंने देखा कि जो दूसरे डाइवर्स थे वो उनको फीड कर रहे प्यार से, तो मेरे लिए इजी हो गया शार्क को देखने के लिए, मतलब बिनाइन लाइट से। ओके, बिनाइन लाइट का मतलब ये होता है कि जेनरसिटी से, बेनेवोलेंस से, लीनियंसी के साथ। I think it would be unfair not to mention that though tiger sharks are apex predators. देखो यही हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि apex predators serve to keep prey numbers in check. How can we say that tiger sharks are apex predators? हम कैसे कह सकते हैं कि जो tiger sharks हैं वो apex predators हैं? Okay, तो यही दिया है। देखो, they act as a crucial balancing force in ocean ecosystem, constraining the number of animals like sea turtles and limit their behavior. By preventing them for overgrazing the seagrass beds. मतलब कि उनका मतलब ये है कि इनको एक एपेक्स प्रेडेटर इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्रूशियल रोल प्ले करती किस चीज में, टू बैलेंस क्या, फोर्स इन ओशन इकोसिस्टम। ओके, कैसे, क्योंकि देखो क्या होगा, टर्टल्स को खा जाती है, अगर टर्टल्स को नहीं खाएगी तो क्या होगा कि ये खा जाएंगे किस चीज को, ओवरग्रेजिंग कर देंगे सी ग्रास को, जिससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा ओशन का, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए ये ऐसा करती है। ओके, तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा है कि इनको प्रेडेटर्स क्यों कहा गया है, तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं कि क्या करती है, बिकॉज इट ईट्स टर्टल्स टर्टल्स टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द ओशियन और सीज। ओके, कहीं भी जो भी वाटर बॉडी हो, जहां भी हो या इकोसिस्टम हो, ओके, तो वहां का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए वो टर्टल्स को खा जाती है, और जो जानवरों को खा लेते हैं उनको प्रेडेटर्स कहा जाता है। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो ये होगा। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।